जैन दोस्तों, आप देख रहे हैं माय बिग यूट्यूब चैनल। और आज के चैनल पर आज के वीडियो में आज के लिए बहुत ही खास, क्योंकि ये वॉच की अनबॉक्सिंग हम आपको पहले दिखा चुके हैं। यदि आपने मिस किया है वो वीडियो तो आप हमारे आई बटन में जाके देख सकते हैं कि अनबॉक्सिंग क्या क्या निकलता है एक बॉक्स के अंदर। वो सारी डिटेल आपको हमारे आई बटन में जाके अनबॉक्सिंग वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम दिखाते हैं इसके फंक्शन के बारे में। वॉच तो आपको मिल गई, सारी चीज़ें पता चल गया, अनबॉक्सिंग भी देख ली, लेकिन अब इस वॉच को कैसे करें अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट। तो जस्ट दोस्तों, सबसे पहले इस बटन को आपको दबा के रखना होगा, उसके बाद वॉच हो जाएगी पावर ऑन। पावर ऑन हो जाने के बाद आपको अपने फ़ोन में सिंपली क्या करना है, या तो आपको इस बॉक्स के ऊपर चले जाना है, यहाँ पर आपको एक स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको स्कैन कर लेना है, या फिर दूसरा तरीका है आप अपने वॉच पे जाएंगे, यहाँ से ऐसे स्वाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको इस वॉच के ऊपर स्वाइप करने के बाद एक यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आप इसको मोबाइल की एप्लीकेशन कनेक्ट करने के लिए काम कर सकते हैं, या फिर आप इससे मोबाइल को कनेक्ट कर पाएंगे इसी सेम से। तो चलिए सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसके बॉक्स पर जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आपको साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर कि स्कैन टू क्यूआर कोड, डाउनलोड ई बड़ी स्मार्ट लाइफ ऐप, या फिर आप मैनुअली भी जा सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, वहाँ पे आप जी बड़ी नाम की एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने अपने फ़ोन में पहले से इंस्टॉल कर रखी है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो वीडियो के अंदर। तो हम चले जाते हैं अपने इस एप्लीकेशन के अंदर, ये है जी बड़ी की एप्लीकेशन। जस्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करना है आपको, और ओपन करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यह आपसे आपकी लॉगिन आईडी मांगेगा। तो जस्ट आपको लॉगिन आईडी बना लेना है, आप अपने चाहें तो अपने फेसबुक या फिर अपने गूगल प्ले अकाउंट वाले आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, या आप अपने मैनुअली भी बना सकते हैं। अब जब आप उसको बना लेंगे इस आईडी को, उसके बाद आपको अपनी वॉच के साथ पेयर करना होगा। तो सिंपली वॉच को पेयर करने के लिए आपको यहाँ चले जाना है, इस आइकन पर चले जाना है, ये जी आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, और अपने फ़ोन के इस क्यूआर कोड से आप कनेक्ट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं बहुत गजब गजब की फंक्शन, क्या क्या काम करेगी ये वॉच। तो जैसे ही आप इस वॉच को कनेक्ट करेंगे, देखिए कनेक्ट करते ही यहाँ पर आपको वॉच के अंदर जो दिए गए हैं स्टेप, वो स्टेप काउंट यहाँ पे शो होने लगते हैं आपकी एप्लीकेशन में भी, और वही स्टेप यहाँ पे आप वॉच पे भी देख पा रहे होंगे। साथ में कितनी कैलोरी बर्न हुई हैं वो देख पाएंगे आप, और यहाँ पर आप कितना डिस्टेंस कवर किया है आपने, 2 किलोमीटर देखिए, वो भी आप देख पाएंगे। तो ये फंक्शन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद अब यह फ़ोन के बारे में बात करें तो फ़ोन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं टाइम टू टाइम, यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर आपने जो चेक किया वॉच का वो मिल जाएगा, साथ में आपको ऑक्सीजन लेवल कितना था बॉडी का वो मिल जाएगा, एक्टिविटी अगर आपने कोई एंड कर रखी है तो वो आप एक्टिविटी यहाँ पे आपको शो कर पाएगा। बाकी हम बात करें यदि इसके बारे में तो यहाँ पर स्लीप टाइम वगैरह यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये आपने स्लीप टाइम ऑन कर रखा है। तो इसके बाद हम चले जाते हैं वॉच वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा होगा वॉच की कनेक्टिविटी दिखाई देगी, वॉच का मॉडल और कितने परसेंटेज बैटरी है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। इसके बाद इनकमिंग कॉल रिमाइंडर, यानी कि इसको आप ऑन कर देते हैं तो इसके बाद जब आपके पास कोई कॉल आती है तो कॉल, वो कॉल यहाँ पे शो होने लगेगी वॉच के ऊपर, तो ये इसलिए ऑन किया जाता है। इसके बाद साथ में आपको जो नोटिफिकेशन के ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर अगर आप बात करें तो नोटिफिकेशन टैप करके दिखा देते हैं, यहाँ पे इतने सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको, जैसे कि एसएमएस का नोटिफिकेशन ऑन रखना है, आपको कोई एसएमएस करता है तो आपके वॉच पर वो मैसेज शो हो जाए। ये सारी एप्लीकेशन है हमने बंद कर रखी हैं, सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन वगैरह हमने बंद कर रखी हैं। फेसबुक का रिमाइंडर में नहीं चाहिए इसलिए नहीं किया, उनकी हमने व्हाट्सअप का रिमाइंडर ऑन किया हुआ है ताकि व्हाट्सअप पर कोई मैसेज आए तो हमें वो शो हो जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपने कौन कौन से रिमाइंडर शो करना चाहते हैं वॉच पर नोटिफिकेशन के लिए, तो जी अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप दूसरे ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलार्म कॉल का भी रिमाइंडर है, अलार्म भी आप अपने सेट कर देंगे तो अलार्म भी यहाँ पे बजेगा, और ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, डू नॉट डिस्टर्ब, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। हार्ट रेट मॉनिटर अगर आप चाहते हैं अपने आप ही हार्ट रेट का मॉनिटर करता रहे टाइम इंटरवल में, तो वो ऑटोमेटिकली 24/7 यहाँ पे इस वॉच के अंदर मिल जाता है। साथ में एक बहुत ही कमाल का फीचर हमें बहुत अच्छा लगा जो इस वॉच के साथ आता है, वो है माई डिवाइस फाइंड वाला। तो जब आप ऐसे मान लीजिए आपको अपनी वॉच ढूंढनी है, तो जब जैसे आप क्लिक करेंगे कंफर्म करेंगे और आपकी वॉच जहाँ भी होगी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से।
और सेम फंक्शन इसमें भी आता है, यानी कि अगर आप अपने फ़ोन को ढूंढना चाहते हैं, कहीं फ़ोन खो रख दिया है आपने और फ़ोन आपको नहीं मिल रहा है, तो वो भी आप इसकी मदद से, वॉच की मदद से ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए फाइंड माई फ़ोन, जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये अपने आप ही फ़ोन पर जाके इस तरीके से फ़ोन की रिंग बजना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपका फ़ोन ऐसे आप ढूंढ पाएंगे इसकी मदद से। अगले फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये आ जाता है फर्मवेयर अपडेट। अभी तो कोई अपडेट आया नहीं है, जब अपडेट आएगा तो इस वॉच के अंदर कुछ फंक्शन भी चेंज कर देते हैं फर्मवेयर के बाद, जैसे वॉच फेस वगैरह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आप रिसेट फैक्ट्री सेट कर सकते हैं और यहाँ पे और अदर जानकारी भी देख सकते हैं। साथ में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप यूनिट वगैरह किलोमीटर में या माइल्स में चाहते हैं, आपका डेली का जो स्टेप काउंटर टारगेट है वो कितना रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सारा कुछ चेक कर पाएंगे। तो ये था इस एप्लीकेशन के फंक्शन के बारे में। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा वॉच के बारे में कि वॉच में आपको क्या क्या मिलता है। तो वॉच में अगर आप वॉच को ऑन करते हैं, जैसे ही आप स्वाइप करेंगे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कुछ भी कर सकते हैं आप, इसको आप इस साइड से ऐसे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारे फंक्शन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मैसेज मिल जाता है, अलार्म मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में स्टेप काउंटर, स्टेप जो स्टेप आपके चलते हैं वो स्टेप काउंट भी करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, स्लीप है, हेल्थ है। तो मेन चलिए हम आपको हेल्थ में चलते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हेल्थ के अंदर। और हेल्थ में जैसे हम जाते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेस जो है बहुत आसानी से करना होगा, क्योंकि हेल्थ में जब जाते हैं तो सबसे पहले हेल्थ हार्ट रेट मिल जाता है, बीपी मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है, जो कि तीनों चीज़ें इस वॉच के अंदर खूबी दी गई है। तो उसके बाद अब जब आप इसको हार्ट रेट पर ऑन करेंगे तो देखिए पीछे जो लाइट है उसकी लाइट जो ब्लिंक करने लगती है, इसका मतलब हार्ट को उसने सर्च कर दिया है। ऐसे ही बीपी पर भी ये लाइट ब्लिंक करने लगती है, तो उसमें हम बताया कि बीपी चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन पर भी ये लाइट यहाँ पीछे ब्लिंक करती है। तो ये सारा तीनों चीज़ें बहुत ही एक्यूरेट है या नहीं वो तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे चेक करने के बाद। अभी तो हम मेन फंक्शन बता रहे हैं इस वॉच के अंदर क्या क्या था। और इसके बाद अब आप जाते हैं, देखिए दूसरा ऑप्शन और ये सारी चीज़ें, आपको टाइमर भी लगा सकते हैं, स्टॉप वॉच भी है इसके अंदर, फाइंड है। और सेटिंग के अंदर अगर बात करें तो सेटिंग के अंदर हम जाके दिखाते हैं, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है, QR कोड मिलता है, कैमरे का शटर भी मिल जाता है, जैसे कि आप कैमरा ऑन करेंगे और यहाँ से ऑन ऑफ कैमरे का क्लिक कर सकते हैं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो कैमरे की जो क्लिक है वो अलग सा एक कैमरा ओपन होता है, मेन कैमरा ओपन नहीं होता है जो कि मोबाइल का होता है। तो ये सारे फंक्शन हैं। और जैसे ही आप होम स्क्रीन पर चले जाते हैं, ये वॉच के टाइम है, वॉच फेस कैसे चेंज करें ये भी एक अच्छा सा सवाल है। इसको आप होल्ड करके रखेंगे तो इस तरह से हो जाता है और आप उसके बाद देखेंगे ये वॉच फेस अलग अलग मिल जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं है, 4 वॉच फेस दिए गए हैं, जो आपको सही लगता है उसी पर जाके एक बार टैप कर देंगे, वो वॉच फेस आपको वो वाला शो करने लगेगा। तो ये था इसका मेन फंक्शन। और ऊपर से जब स्वाइप करते हैं तो यहाँ आपको ये स्लीप मोड और लाइट डिम करने का ऑप्शन मिल जाते हैं इसके साथ साथ में। अगर आप इसको स्वाइप करते हैं साइड से तो यहाँ पे आपको ये जो एक्टिविटीज़ चल रही थी उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर देता है। तो वॉच में दोस्तों ये कुछ काफ़ी मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपके डेली टाइम के लिए काफ़ी हैं। और हमें लगता है इस वॉच के अंदर जो प्राइस दिया गया है उसके हिसाब से अपने आप को ये जस्टिफाई कर ही रही है। बाकी अभी हम इसको चेक करेंगे, पहन के देखेंगे 2-4 दिन, उसके बाद बताएंगे इसमें क्या क्या और खूबियां हैं इस वॉच के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी और जानकारी के साथ हम आपके लिए फिर से आएंगे नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास। कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगले बार इस वीडियो के बारे में या इस वॉच के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके 100% आपके कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।